बिहार में हो रहा है, इतना ये जो बिहार में हो रहा है, इतना लोकतंत्र में अपमानित कभी नहीं हुए होंगे। ये शर्मनाक घटना है, निंदनीय है। अगर महिला सदस्य है उसको भी पुलिस ने उठा करके फेंक दिया बाहर। विधायक को किस तरीके से आईपीएस आईएएस लोगों ने मारा है, अगर ये सीमा लोकतंत्र में होगी तो लोकतंत्र ये समझ लो नहीं चल पाएगा। इसके बाद तो जनता है, और अगर जनता में उबाल आ गया तो सोचो कैसे संभाले जाएंगी चीजें। इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोकतंत्र की सब मर्यादाओं की धज्जियां उड़ गई हैं, किसी मुख्यमंत्री की क्या भाषा ये हो सकती है, ठोक दो? क्या मुख्यमंत्री भाषा ये बोलेंगे कि ठोक दो? अगर ये भाषा मुख्यमंत्री बोलेंगे तो सोचो पुलिस क्या करेगी। और उसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब हो गया है। आए दिन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोग सताए जा रहे हैं, आए दिन लोग के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो व्यवस्था पुलिस को अच्छी दी थी 100 नंबर, नाम बदल दिया, 112 कर दिया, क्या सुधार किया उसमें? कहते हैं कि बहुत अच्छी योजना है स्वास्थ्य विभाग में। हम जानना चाहते हैं गरीबों को कहाँ इलाज मिल रहा है, कहाँ उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। और फिर ये तो डिप्टी सीएम का जिला है, सरकार से सीधा संपर्क है। हमने और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, और जो माहौल है, जनता इस बार इनका सफाया करेगी। और जब कौसाम्बी में आए हैं, कौसाम्बी में आए हैं तो ये जिला पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। शून्य जिला विधायक जिता करके भेजेगा भारतीय जनता पार्टी। 2022 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ना है, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, छोटे दलों के साथ रास्ता खुला रहेगा। क्या यूपी में ईमानदार अफीजों के साथ यही होगा? ईमानदार हो गए तो आपके साथ इतना गलत व्यवहार होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत है। ये सरकार घबरा रही है किसानों से, तभी देखा होगा आपने इनके प्रदेश अध्यक्ष जहाँ जाते हैं उन्हें काले झंडों से स्वागत हो रहा है। जनता इनके खिलाफ खड़ी है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार, ये सरकार की सरकार अपनी नीयत साफ नहीं कर रही है, इसीलिए पंचायत चुनाव को लेकर के कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। हमें सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, हमें पूरा भरोसा कोर्ट पर है कि चुनाव जल्दी कराएंगे। जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जिस तरीके से किसानों को अपमानित होना पड़ा है, किसानों को आतंकवादी सरकार ने कहा, किसानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। इसी तरह नौजवान नौकरी मांगता रहा, लाठी खाता रहा, नौजवान रोजगार मांग रहा था, लाठी खा रहा था। नौजवान ने देख लिया है कि इन्वेस्टमेंट और नौकरी के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, कई बार उनके सपनों को तोड़ा है। नौजवानों को बार बार ये कहा गया उनकी जीवन अच्छा होगा, नौकरी रोजगार मिलेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। व्यापारी परेशान है, किस तरीके से मजदूर लॉकडाउन के दौरान चलते चले आए, सरकार ने कोई परवाह नहीं की। आज हर चीज़ महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। किसी भी फसल की पैदावार क्या सही मूल्य सरकार नहीं दे पा रही। जहां आय दोगुनी की बात कही थी, वो आय दोगुनी कहां है ये कम से कम सरकार को बताना चाहिए। और जितना लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है पुलिस से प्रशासन से, इतना अपमानित उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं हुई। हर थाने में तहसील में किस तरह की लूट मची है, और सोचो कभी यही आईपीएस जिनको बर्खास्त किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रिकॉर्डिंग तक की थी नेताजी की, उसके बावजूद भी पार्टी के ने वो फैसला नहीं लिया जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। कोई वर्ग नहीं बचा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करने का व्यवहार नहीं किया है। और ये जिला तो पिछड़े मुख्यमंत्री जी का है, सोचो एक बार मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे बैठ गए थे, वो दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। और जितना पिछड़ों को, दलित को और मुसलमानों को अपमानित होना पड़ा है, ये इन्हीं की सरकार है। क्या भैया यूपी ये कुल्हाड़ी की लकड़ी बन गए यहाँ के मुख्यमंत्री?
लाल टोपी का बड़ा खेल बड़ी बात हो रही है। देखिए लाल टोपी हमें तो गांव वालों ने ये बताया है कि खेतों में जो आता है सांड लाल रंग देखकर घबराता है, हमने तो यही सुना है खेतों के बारे में। यूपी में ईमानदार ऑफिसर बन पाएंगे?